आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल लेंस, गोलीय लेंस में प्रतिबिंब का बनना। आप जान रहे हैं कि गोलीय लेंस दो प्रकार के, एक उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। उत्तल लेंस को हम लोग और बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस, अभिसारी लेंस, और अवतल लेंस को और बोला जाता है डाइवर्जिंग लेंस, अपसारी लेंस। अब ध्यान रखो कि जो भी मिरर या लेंस, हम लोग मिरर में पढ़ चुके कि जो भी मिरर या लेंस कन्वर्जिंग नेचर के होते हैं वो रियल इमेजेस बनाते हैं, लेकिन उसमें एक कंडीशन में वर्चुअल बन जाता है। कब वर्चुअल बन जाता है? तो जब ऑब्जेक्ट फोकस के पहले रहता है, क्योंकि रियल इमेज कोई भी मिरर या लेंस जो कन्वर्जिंग नेचर के होते हैं वो फोकस से बनाना स्टार्ट करते हैं। फोकस क्या होता है? वो मिनिमम डिस्टेंस होता है जहां से कोई लेंस, कैसा लेंस या मिरर जो कन्वर्जिंग नेचर के होते हैं वो रियल इमेज बनाते हैं। अगर वर्चुअल इमेज आपको बनाना है तो उसके लिए आपको ऑब्जेक्ट कन्वर्जिंग लेंस और मिरर में फोकस के पहले रखना होगा, जबकि कंकेव जो होते हैं वो डाइवर्जिंग नेचर के होते हैं, और जो डाइवर्जिंग नेचर के हैं उसमें केबल और केबल कैसा इमेज बनता है? वर्चुअल। और हमेशा ऑब्जेक्ट के साइज का छोटा, ऑब्जेक्ट के साइज से क्या रहता है? इमेज का साइज छोटा रहता है। तो आज हम चलेंगे जैसे मिरर में देखे हैं बिल्कुल उसी तरह से हम देखेंगे लेंस में, केवल दोनों का प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा। जो प्रॉपर्टी मिरर में कॉन्केव का था वो प्रॉपर्टी लेंस में कॉन्वेक्स का हो जाएगा। ध्यान आपको रखना है कि मिरर में कॉन्केव कन्वर्जिंग लेंस मिरर होता है, जबकि लेंस में कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो कन्वर्जिंग लेंस का होता है, कन्वर्जिंग नेचर का होता है। तो आपको ध्यान यही रखना है कि मिरर और लेंस का क्या होता है, कन्वर्जिंग का नेचर सेम होता है, लेकिन जो नेचर कॉन्केव का होता है मिरर में वो नेचर लेंस में कॉन्वेक्स का हो जाता है, और जो नेचर मिरर में कॉन्वेक्स का होता है वो नेचर लेंस में किसका हो जाता है? कॉन्केव का हो जाता है। तो आइए हम चलेंगे देखते हैं जरा हेडिंग क्या कर रहे हैं। इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, सॉरी मिरर नहीं करेंगे, लेंस करेंगे, गोलीय लेंस में प्रतिबिंब का बनना। तो हम जान रहे हैं स्फेरिकल लेंस दो प्रकार का, बातों को समझकर चलना आप लोग को। एक क्या कर रहे हैं? कॉन्वेक्स लेंस, जिसको और कहते हैं कॉन्वर्जिंग लेंस, और एक नाम दिए पॉजिटिव लेंस। क्यों पॉजिटिव लेंस दिए? क्योंकि इसका फोकल लेंथ और पावर क्या होता है? पॉजिटिव होता है। दूसरा लेंस कॉनकेव लेंस, या इसी को और कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस, या और कहते हैं निगेटिव लेंस। निगेटिव क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इसका फोकल लेंथ पावर क्या होता है? निगेटिव होता है। डाइवर्जिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि ये किरणों को डाइवर्ट करता है, फैलाता है। कॉनकेव कन्वर्जिंग कहलाता है, क्योंकि किरणों को मिलाता है। अब जो कन्वर्जिंग है वो सारा इमेज कैसा बनाता है? रियल, लेकिन केवल एक कंडीशन में वो इमेज कैसा बनाता है? वर्चुअल। तो ये दोनों तरह का इमेज बनाएगा, रियल इमेज भी और वर्चुअल इमेज भी। रियल इमेज का इनिशियल पॉइंट जहां से रियल इमेज बनना प्रारंभ होता है, इनिशियल पॉइंट थ्रू विच या फ्रॉम विच
real image form is focus. हम लोग जानते हैं, मिरर में पढ़ चुके हैं हम लोग कि फोकस वो पॉइंट होता है, फोकस वो पॉइंट होता है जहां से किसी वस्तु का रियल इमेज बनना स्टार्ट होता है. किस लेंस के लिए या किस मिरर के लिए? कन्वर्जिंग के लिए. इसी तरह वर्चुअल इमेज बनाने के लिए, क्योंकि फोकस से तो सारा इमेज रियल बनना शुरू हो जाएगा. फोकस पर रखें या फोकस के बाद रखें, फोकस से स्टार्ट हो जाएगा आपका रियल इमेज बनना. तो अगर आपको वर्चुअल इमेज बनाना है तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए? तो हम जान गए कि फोकस से रियल बनता है. तो अगर ऑब्जेक्ट को हम फोकस के पहले रखें तो वो कैसा इमेज बनाएगा? वर्चुअल इमेज. तो वर्चुअल इमेज बनने के लिए केवल एक कंडीशन, व्हेन ऑब्जेक्ट लेज बिफोर फोकस. अगर ऑब्जेक्ट को फोकस के पहले रखिएगा तो ये केवल ऐसा कंडीशन जिसमें इमेज कैसा बनाएगा? वर्चुअल बनाएगा. बाकी कॉन्वेक्स लेंस, कन्वर्जन लेंस, सारे इमेज कैसा बनाएगा? रियल. और वो स्टार्ट कहां से होता है रियल बनना? फोकस से. ठीक है. अब कॉन्केव लेंस जो होता है डाइवर्जिंग होता है, तो इसका नेचर रहता है इट ओनली फॉर्म वर्चुअल इमेज. ये केवल कैसा इमेज बनाता है? वर्चुअल इमेज. उज साइज ऑलवेज लेस देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. ये जो वर्चुअल इमेज बनाएगा हमेशा केवल एक ही टाइप का इमेज बनाएगा. कैसा इमेज बनाएगा? वर्चुअल. और वो वर्चुअल इमेज का साइज जो होगा वो हमेशा ऑब्जेक्ट से क्या होगा? छोटा होगा. ध्यान आपको रखना है बाबू कि जो लेंस डाइवर्जिंग नेचर के होते हैं या जो मिरर डाइवर्जिंग नेचर के होते हैं वो केवल वर्चुअल इमेज बनाते हैं. क्यों वर्चुअल बनाते हैं? क्योंकि इसमें रियल में लाइट्स मिलती नहीं है. क्यों नहीं मिलती है? तो हम जान रहे हैं क्योंकि ये डाइवर्जिंग है. तो ये किरणों को क्या कर देगा? डाइवर्ट करेगा, फैलाएगा. और जब फैल रही है तो वो मिल नहीं रही है बल्कि फैल रही है, जिस कारण से ये रियल में मिलती नहीं है और ये वर्चुअल बनाती है. और जब इस स्थिति में डाइवर्ट करे तो जो वर्चुअल इमेज बनाएगा वो हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा होगा. क्लियर हो रहा है? चलिए. जबकि कन्वर्जिंग लेंस किरणों को मिलाती है और उसमें भी वर्चुअल इमेज बनता है. कब बन रहा है? जब ऑब्जेक्ट फोकस के क्या है? पहले है. जब ऑब्जेक्ट फोकस के पहले है तो वर्चुअल बनाएगा. और इमेज जिसमें साइज ऑफ इमेज इज ऑलवेज ग्रेटर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. तो कन्वर्जिंग में वर्चुअल इमेज बनता है तो उस इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से हमेशा बड़ा होता है. जबकि डाइवर्जिंग में केवल वर्चुअल बनेगा और जो वर्चुअल बनेगा वो हमेशा ऑब्जेक्ट के साइज से क्या होगा? छोटा होगा. ये दोनों के वर्चुअल में क्या है अंतर है? कन्वर्जिंग में वर्चुअल बनाएगा, डाइवर्जिंग में वर्चुअल बनाएगा. कन्वर्जिंग जो वर्चुअल बनाएगा वो हमेशा ऑब्जेक्ट से क्या होगा? बड़ा बनेगा. जबकि डाइवर्जिंग जो वर्चुअल इमेज बनाता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट से क्या होता है? छोटा होता है. क्लियर है? समझते चलिए. हम बोले कन्वर्जिंग लेंस तो आपके दिमाग में आना चाहिए वो रियल वर्चुअल दोनों बनाएगा. हम कहें डाइवर्जिंग लेंस तो आपके दिमाग में आना चाहिए वो ये केवल वर्चुअल बनाएगा. कन्वर्जिंग में वर्चुअल बनता है कब? जब ऑब्जेक्ट फोकस के पहले होगा. तो हम कहेंगे कन्वर्जिंग लेंस में क्या बनाया आप? वर्चुअल इमेज. तो आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रखोगे? फोकस के पहले. कहेंगे नेचर बताइए इमेज का कैसा है, तो आपको होगा ऑब्जेक्ट से क्या है? बड़ा है. अगर हम कहेंगे कि कॉन्केव में इमेज बनाइए तो आप बनाओगे कैसा इमेज बनेगा? वर्चुअल. और कहेंगे नेचर क्या है इमेज का, तो आप क्या कहोगे? हमेशा ऑब्जेक्ट से क्या आएगा? छोटा आएगा. ये तो ये दोनों का क्या हो गया? नेचर हो गया. आई अब हम चलते हैं कि कहाँ रखेंगे तो कहाँ इमेज बनेगा.
उसके लिए देखते हैं, जरा पहले कुछ समझ लेते हैं। छोटी सी बात है जिसे आप समझ लीजिए ताकि आपको इमेज बनाने में कठिनाई ना हो। तो ये आपका है, मान लीजिए लेंस, कॉन्वेक्स लेंस है। इधर x है, इधर x डैश है, इसका ऑप्टिकल सेंटर है। हम जानते हैं कि लेंस के दो फोकस होते हैं, लेकिन जनरली हम सेकेंडरी फोकस को यूज करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना आपको कि दो फोकस होते हैं, लेकिन हम किसको यूज करते हैं, सेकेंडरी फोकस को। तो कॉन्वेक्स का सेकेंडरी फोकस इधर होता है, इसलिए इसका फोकल लेंथ क्या रहता है, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि जब पैरेलल लाइन गुजरता है तो ये इधर की ओर क्या करता है, कन्वर्ज करता है। तो इसका सेकेंडरी फोकस किधर आ गया, एक्स की ओर हो गया, इसलिए ये क्या होता है, पॉजिटिव नेचर का होता है। चलिए क्लियर है। ऑब्जेक्ट को हम जानते हैं हमेशा किधर रखते हैं, एक्स एक्स की ओर, एक्स डैश एक्सिस की ओर, जो निगेटिव होता है, और एक्स एक्सिस जो क्या होता है, पॉजिटिव। तो किसी ऑब्जेक्ट को रखिए तो आपको क्लियर ध्यान रखना है, ऑब्जेक्ट को किधर रखना है हमेशा, एक्स डैश हम लोग देख चुके हैं मिरर में, चाहे मिरर या लेंस, हमेशा एक्स डैश की ओर रखेंगे। ठीक है, निगेटिव एक्सिस की ओर रखेंगे, जिस कारण ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्यू जो होगा वो ऑलवेज क्या होगा, निगेटिव होगा। समझते चलिएगा, साइन को देखते चलिए। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चाहे मिरर या लेंस दोनों के लिए यू क्या होगा, निगेटिव होगा। अब चूंकि लाइट को जब हम इंसिडेंट करा रहे हैं इस पे, तो देख रहे हैं ये कन्वर्ज कर रहा है ऑब्जेक्ट के साइड नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट के दूसरे साइड, मतलब एक्स की ओर। कन्वर्ज जहां करता है वहां पर रियल इमेज बनता है। तो हम देख रहे हैं कि रियल इमेज किसकी ओर बन रहा है, एक्स की ओर। तो ध्यान रखना है इसमें रियल इमेज किधर बनेगा, रियल इमेज बनेगा एक्स एक्सिस की ओर, एक्स एक्सिस की ओर बनेगा। तो रियल इमेज का इमेज डिस्टेंस एक्स क्या है, पॉजिटिव एक्सिस है। तो रियल इमेज के लिए इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो जब रियल इमेज बना तो वर्चुअल अगर किरणें फैलती हैं मान लीजिए, तो वर्चुअल किधर बन जाएगा, ऑब्जेक्ट के साइड। ऑब्जेक्ट किस साइड है, तो हम देख रहे हैं एक्स डैश एक्स की ओर है। तो हम जान गए कि अगर वर्चुअल इमेज बनता है, वर्चुअल इमेज बनेगा तो वो ऑब्जेक्ट के साइड बनेगा, मतलब एक्स डैश एक्स की ओर बनेगा। और एक्स डैश एक्स निगेटिव है तो वी वर्चुअल क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। क्लियर समझ रहे हैं। अब आइए फोकल लेंथ समझिए। फोकल लेंथ हम जान रहे हैं कि कॉन्वेक्स में कन्वर्ट करता है और कन्वर्ज किधर करता है, इसलिए कॉन्वेक्स को पॉजिटिव लेंस कहते हैं और इसका फोकल लेंथ क्या हो जाता है, पॉजिटिव। कॉन्केव डाइवर्ट करता है और जब डाइवर्ट करेगा तो पीछे मिलेगा, इसलिए इसका फोकल लेंथ निगेटिव हो जाता है। तो इतनी बातों को आपको ध्यान रखना है। इसका एक हिंदी में आप समझ सकते हो ध्यान रखने के लिए, बाकल। ठीक है, लेंस और दर्पण के लिए याद रखिए, बर्बाद होता है दर्पण और बाकल होता है लेंस, ताकि साइन कन्वेंशन आपको ध्यान रहे। ये जितना होता है वो किधर रहता है, एक्स डैश एक्स की ओर, और एक्स डैश एक्स है तो निगेटिव होगा। इतना चीज लेंस में क्या होता है, निगेटिव होता है। किधर रहता है, एक्स डैश एक्स की ओर, और क्या होता है, निगेटिव। वह से क्या हो गया, वस्तु दूरी। क से हो गया काल्पनिक प्रतिबिंब की दूरी। और ल से हो गया लेंस। तो लेंस में ये दो चीज हमेशा क्या रहती है, निगेटिव रहती है। अगर काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है तो वो किधर बनेगा, वस्तु के साइड।
लेंस क्या है, बाकल है, ध्यान आपको रखना है। बाकल मतलब वस्तु और काल्पनिक प्रतिबिंब लेंस में हमेशा सेम साइड बनते हैं। तो वस्तु किधर रहता है, ध्यान रहे एक्सेस की ओर, तो काल्पनिक भी किधर बनेगा, एक्सेस की ओर। असली इनके नेचर निगेटिव होते हैं। जबकि दर्पण होता है बर्बाद, बर्बाद मतलब वस्तु वस्तु दूरी, वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब दूरी। और दस है दर्पण, ये क्या होते हैं, निगेटिव। बता रहे कि दर्पण में जिसमें भी व शब्द मिल रहा है वो क्या हो जाएगा, निगेटिव। जैसे वस्तु वो आ रहा निगेटिव होता था, वास्तविक प्रतिबिंब दूरी वो आ रहा तो निगेटिव होता था, अवतल हुआ आता था तो अवतल का फोकस निगेटिव होता था। तो दर्पण में आपको ध्यान रखना है कि वह वाला निगेटिव होता है, जबकि लेंस में वाकल वाकल वस्तु काल्पनिक प्रतिबिंब दूरी हमेशा क्या होती है, निगेटिव होती है। और आप जान ही रहे हो कि अवतल डायवर्ट करता है, जिस कारण इसका फोकल लेंथ क्या होता है, निगेटिव। और ये कन्वर्ट करता है रियल में, मिलता है रियल हमेशा किधर बनेगा, एक्स की ओर, इसलिए कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्लियर है, नोट करते चलिए। अब समझते हैं जरा कि कहां ऑब्जेक्ट रहता है तो कहां इमेज बनेगा। ध्यान दीजिए, देखिए तो रियल इमेज किधर बनता है, एक्स की ओर, और वर्चुअल किधर बनता है, एक्सप्रेस की ओर। वस्तु काल्पनिक लेंस में सेम साइड होते हैं, जबकि वास्तविक उसके दूसरे साइड होता है। तो वास्तविक एक्स होता है, काल्पनिक एक्सप्रेस की ओर होता है, जिस कारण वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी पॉजिटिव और काल्पनिक की क्या आई, निगेटिव आई। वस्तु दूरी चाहे दर्पण या लेंस क्या आया, निगेटिव आया। फोकल लेंथ अवतल का, अवतल चुकी वर्चुअल है निगेटिव है, तो अवतल का फोकस निगेटिव और अवतल का फोकस पॉजिटिव आया। अब जरा देखते हैं, तो आप देख रहे हो इसका फोकस है, दो फोकस होते हैं, एक एफ वन दूसरा एफ टू। यहाँ सेंटर में दर्शाकर उसे टू एफ से दर्शाया जाता है, फोकस के दूने को टू एफ से दर्शा देते हैं। क्यों टू एफ से दर्शाते हैं, क्योंकि हम बताया था कि ये दोनों जो सरफेस लेते हैं, जरूरी नहीं है कि दोनों सरफेस का फोकल लेंथ बराबर हो, इसलिए इसे हम इधर का टू एफ दर्शाते हैं, इधर हम इधर का टू एफ दर्शा देते हैं। अब जरा देखिए, ऑब्जेक्ट अगर हम रखते हैं फोकस के पहले, ऑब्जेक्ट किधर रखेंगे हमेशा, एच एस की ओर। तो अगर ऑब्जेक्ट हम रखते हैं फोकस के पहले तो उसका कैसा इमेज बनेगा, काल्पनिक इमेज बनेगा, ध्यान रखना है। तो अगर इमेज बड़ा बन रहा है, आपको ध्यान देना है, अगर इमेज बड़ा बनता है, बिगर बनता है, ध्यान रखना है, ध्यान दीजिए, बिगर बनता है, तो वो बिगर इमेज तभी बनेगा जब इमेज वस्तु से दूर बनेगा। तो ध्यान रखना, अगर इमेज ऑब्जेक्ट से दूर है तो हम कह देंगे कि इमेज बड़ा है। अगर इमेज वस्तु से नजदीक है, जैसे आपको क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर और इमेज बन रहा है 40 सेंटीमीटर, हम देख रहे हैं कि वस्तु दूरी से ज्यादा है प्रतिबिंब दूरी, तो इमेज कैसा बनेगा, तो हम समझ जाएंगे कि बिगर साइज का बनेगा, किससे, ऑब्जेक्ट से। लेकिन अगर ये देता है ये 20 है और ये देता है 10, तो हम कहेंगे कि इससे नजदीक है, इसका मतलब है कि इमेज क्या बनेगा, छोटा बनेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर इमेज दूर है ऑब्जेक्ट से तो इमेज क्या होगा, ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। अब आइए जरा, बिल्कुल जैसे अगर ये है रियल इमेज के लिए जरा समझते हैं, तो रियल इमेज में ध्यान रखिए कब इमेज बड़ा बनता है। तो अगर इमेज सिंपल हम लिख रहे हैं, अगर इमेज 2f के बाद बनता है, बिल्कुल जैसे मिरर में सेंटर के बाद का इमेज बड़ा, यहाँ हम क्या कहें 2f के बाद, बस से बाद, बस से बड़ा, 2f के बाद जो इमेज बनेगा
अगर इमेज स्लैब पे बाल बनेगा तो इमेज क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। अगर इमेज 2F के बाद बनता है तो वो तभी बनता है, वो तभी बनता है जब ऑब्जेक्ट 2F के पहले होता है। को ध्यान रखना है, इमेज आप चाहते हैं 2F के बाद बनाना तो वो तभी बनेगा जब ऑब्जेक्ट को आप 2F के पहले रखेगा। हम बता चुके हैं कि रियल इमेज उल्टा होता है। उल्टा मतलब होता है क्या? उल्टा मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट का उल्टा होता है। अगर इमेज का तार 2F के बाद बन रहा है तो ऑब्जेक्ट का तार 2F के बाद इमेज तभी बनेगा जब हम 2F के पहले होंगे, बाद का उल्टा पहले। तो अगर ऑब्जेक्ट पहले तो इमेज बाद, अगर ऑब्जेक्ट 2F के बाद तो इमेज 2F के पहले, और पहले जो होगा वो क्या होगा? छोटा होगा। ध्यान आपको रखना है, पहले वाला छोटा, बाद वाला बड़ा। ध्यान रखिए, सिंपल, पहले वाला 2F के पहले तो छोटा, 2F के पहले तो छोटा और 2F के बाद तो बड़ा। जोर है। अगर इमेज 2F के बाद बन रहा है तो बड़ा, 2F के पहले बन रहा है छोटा। 2F के बाद इमेज बनेगा तब जब वस्तु 2F के पहले होगा। ये दोनों ऐसे चलेगा। अगर वस्तु 2F के पहले तो इमेज 2F के बाद बनेगा, बड़ा बनेगा। अगर वस्तु 2F के बाद तो इमेज 2F के पहले बनेगा और छोटा बनेगा। ठीक है, क्लियर है? तो ध्यान रखिए, अगर जैसे जैसे ऑब्जेक्ट फोकस से इधर की ओर बढ़ता है, क्या हो रहा है? दूर जा रहा है, वैसे वैसे इमेज फोकस की ओर आता है। आप फोकस पे रखोगे तो इन्फिनिटी पर होगा, तो ये फोकस से इन्फिनिटी की ओर बढ़ेगा तो ये उल्टा बढ़ेगा, इन्फिनिटी से फोकस की ओर बढ़ेगा। किसके लिए? रियल इमेज के लिए। ध्यान रखिए आप कि अगर हम न्यूनतम डिस्टेंस जहां से रियल इमेज बनता है वो फोकस होता है, तो अगर हम फोकस से ही स्टार्ट करें तो फोकस ये न्यूनतम पर रहेगा ऑब्जेक्ट, तो न्यूनतम का उल्टा क्या होता है? महत्तम। तो ऑब्जेक्ट महत्तम पर रहेगा मतलब इन्फिनिटी पर रहेगा। जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को दूर करिएगा वैसे वैसे इमेज इन्फिनिटी से नजदीक आएगा। ऑब्जेक्ट दूर जाएगा, इमेज नजदीक आएगा। ऑब्जेक्ट किधर की ओर अग्रसर होगा? इन्फिनिटी की ओर। तो इमेज इन्फिनिटी से किधर की ओर अग्रसर हो जाएगा? फोकस की ओर। क्लियर है? तो हम चले अब कॉमिक्स में इमेज बनाएंगे। तो इमेज बनाएंगे कुछ है, दो रूल है, जरा रूल देख लेते हैं उसके बाद हम लोग चलते हैं इमेज बनाते हैं। बिल्कुल इमेज बिल्कुल उसी तरह ध्यान रखना है जैसे इमेज में ध्यान रखते थे। रियल इमेज उल्टा है, उल्टा बोलेगा। अगर ऑब्जेक्ट पहले तो इमेज बाद वाला बड़ा, पहले वाला छोटा। ठीक है, रूल्स फॉर इमेज फॉर मेशन प्रतिबिंब इन लेंस, लेंस में प्रतिबिंब बनने के लिए नियम। देखिए दो लॉ है जिससे, दो रूल है जिससे हम क्या करेंगे? इमेज बनाएंगे। फर्स्ट रूल है कि अगर आप किसी लेंस से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट इंसिडेंट कराते हैं तो वो लाइट कहां से होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी, फोकस पे मिलेगी। या कॉनकेव लेंस है, अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट करते हैं तो ये किरणों को डाइवर्ट करता है और कहां मिलती हुई प्रतीत होगी? फोकस पर। तो अगर हम इंसिडेंट कराते हैं, हम जानते हैं इमेज बनने के लिए कम से कम दो रे इंसिडेंट कराना, तो एक रे हम इंसिडेंट कराएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो वो कहां मिलेगी? फोकस पर। देखिए पहला, इफ द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन लेंस
parallel to principal axis, then after refraction it meet या appear to meet at focus. क्या लिखे कि यदि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर लेंस पे आपतित होती हो तो अपवर्तन के बाद फोकस पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है. और दूसरा लेंस रिंग कराएंगे कैसे, तो आप जानते हो कि जब प्रकाश की किरण, ये वो बिंदु होता है ऑप्टिकल सेंटर जहां से प्रकाश की किरण बिना विचलन के क्या होती है, सीधे चली जाती है. तो दूसरा रे ऑफ लाइट हम इंसिडेंट कराएंगे कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से, प्रकाशीय केंद्र से. तो जाएगा तो दूसरा कहेंगे इफ द रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट या गोज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस देन आफ्टर रिफ्रैक्शन इट गोज स्ट्रेट. क्या होती है, सीधे चली जाती है, ठीक है, विदाउट एनी डिविएशन, बिना विचलन सीधे चली जाती है. तो हम दूसरा रे ऑप्टिकल सेंटर से गुजार सकते हैं जो रे बिना डिविएशन के, बिना विचलन के क्या होगी, सीधे चली जाएगी. तो लिखते हैं यदि प्रकाश की किरण लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरती है तो बिना विचलन सीधे चली जाती है. तो ये दो रूल हैं जिन दो रूल से हम क्या करेंगे, इमेज फॉर्म करेंगे इसमें लेंसेस में. एक रे हम प्रिंसिपल लेंसेस के पैरेलल गुजारेंगे जो फोकस पर मिलेगी या मिलते हुए प्रतीत होगी, और दूसरा रे ऑप्टिकल सेंटर से गुजारेंगे जो रे विदाउट डिविएशन स्ट्रेट चला जाएगा. ठीक है, नोट करें. वीडियो को पॉज कर लीजिए नोट. चलिए अब हम इमेज बनाते हैं, पहले कॉन्वेक्स में बनाएंगे फिर कॉन्केव में. चलते हैं फॉर इन कॉन्वेक्स लेंस. बोलिए इसे और क्या कहेंगे, कन्वर्जिंग लेंस या क्या कहेंगे, पॉजिटिव लेंस.
बार बार इसे बोलते रहिए कन्वर्जिंग पॉजिटिव कॉन्वेक्स, ताकि आपके दिमाग में रहे कि कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है या पॉजिटिव होता है, इसका फोकस पॉजिटिव होता है। चलेंगे, इसमें टोटल 6 कंडीशन में है, तो हम यहाँ ले रहे हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ ले रहे हैं रे डायग्राम, यहाँ ले रहे हैं नेचर ऑफ इमेज। किस लेंस के लिए जो है कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग है, तो ये सारा इमेज रियल बनाएगा। अगर वर्चुअल बनाना है तो उसका केवल एक कंडीशन, ऑब्जेक्ट को हमेशा फोकल लेंथ के पहले रखेंगे, फोकस के पहले रखेंगे। तो हम पहला चल रहा है ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिफोर फोकस, ऑब्जेक्ट को फोकस के पहले रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट को फोकस के पहले रख रहे हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट प्लेस बिफोर फोकस, वस्तु फोकस के पहले है। रखते हैं जरा देखिए, इधर एक्स, इधर एक्स डैश, एक्स पॉजिटिव जिधर रियल इमेज बनता है, एक्स डैश निगेटिव जिधर क्या बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है। तो देख लेंगे, ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट हमेशा किधर रहता है, एक्स डैश की ओर, तो ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं फोकस के पहले। अगर इमेज बन जाता है ऑब्जेक्ट के बाद तो इमेज बड़ा बन जाएगा, अगर पहले बनेगा तो इमेज क्या बनेगा, छोटा। चलिए बनाते हैं, रूल बताया कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट कराइए, तो वो कहां से होकर जाएगी, फोकस से। और प्रकाशीय किरण से जाने वाला स्ट्रेट चला गया, देख रहे हैं कि ये दो किरणें इधर क्या हो गई हैं, फैल रही हैं, इसे किधर मिलाएंगे, पीछे की ओर। तो यहाँ इमेज बनता हुआ अपीयर हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, तो यहाँ क्या बनाएंगे, देख रहे हैं इमेज ऑब्जेक्ट साइड बना, कैसा इमेज बना, वर्चुअल बना, और ऑब्जेक्ट के बाद बना इसलिए क्या है, बड़े साइज का है। तो नीचे देंगे इमेज का कैसा बन रहा है, वर्चुअल, वर्चुअल इमेज और क्या होता है, इरेक्ट होता है, सीधा होता है एंड मैग्निफाइड। वर्चुअल बना, इरेक्ट बना और मैग्निफाइड बना, और इमेज फॉर्म बिहाइंड ऑब्जेक्ट, कहां बना, तो काल्पनिक बना, सीधा बना, तथा वस्तु से आवर्धित, तथा आवर्धित प्रतिबिंब वस्तु के पीछे बनता है, बन रहा है वस्तु के पीछे, ये नेचर हो गया। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, दूर करेंगे, तो हम जानते हैं हम कहाँ रख देंगे, फोकस पर, और फोकस वो पॉइंट होता है जहां से रियल इमेज बनना शुरू होता है, मतलब अब हम जहां भी वस्तु को ले जाएंगे, दूर करते जाएंगे, तो वो सारे कंडीशन में आपका कैसा इमेज बनाएगा, रियल। ये केवल वो कंडीशन हुआ जिसमें क्या बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। तो चलिए करते हैं दूसरा, व्हेन ऑब्जेक्ट, ये सीधे लिखते हैं एट फोकस, अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, फोकस पर रख रहे हैं, तो फोकस पे रखते हैं, देखते हैं फोकस है, और इसी फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखा जा रहा है, ऑब्जेक्ट को, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, गुजारता है इमेज बनने के लिए, तो एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो कहां से जाएगी, फोकस से,
और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाला बिना डिविएशन स्ट्रेट चला जाएगा। देख रहे हैं ये पैरेलल लाइंस है, कहाँ मिलेंगे? इनफाइनाइट पे। तो हमारा इमेज का नेचर हो गया, लेकिन जब भी मिलेगा वो नीचे साइड, ऑब्जेक्ट ऊपर है, इमेज नीचे मिलेगा, तो इमेज कैसा हो जाएगा? उल्टा। और उल्टा इमेज क्या होता है? रियल होता है। तो हम इमेज का नेचर लिख दिए, कैसा इमेज बनेगा? रियल। रियल इमेज क्या होता है? उल्टा, तो इन्वर्टेड बनेगा। एंड अगर यहाँ मिलता है तो इतना बड़ा बनता, लेकिन ये कहाँ जाकर मिल रहा है? अनंत पर, तो बहुत दूर बन रहा है। हम बता चुके कि दूर का इमेज क्या होता है? बड़ा। तो जब ये बहुत दूर बन रहा है तो बहुत बड़े आकार का बनेगा। एंड बिगर, ये ऐसे लिख सकते हैं, वेरी लार्ज इन साइज इमेज फॉर्म एट इन्फिनिटी। ठीक है, कहाँ इमेज बना दिया? इन्फिनिटी पर। कैसा बनाया? वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बहुत बड़े आकार का प्रतिबिंब अनंत पर बनाता है। क्लियर हो रहा है? अब ऑब्जेक्ट को और दूर करते चल रहे हैं। अब ये पॉइंट मिल गया जहां से रियल इमेज बनना स्टार्ट हुआ। अब जहां भी रखेगा अब सारे इमेज में, सारे में क्या बनेगा? रियल इमेज। तो हम ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं? राइजर दूर ले जाते हैं, तो इमेज क्या होते जाएगा? इन्फिनिटी से नजदीक होते जाएगा। तो चलेंगे अब दूर करते हैं, तो एफ है यहाँ, क्या है? 2f। तो दूर करेंगे तो अब कहाँ आ जाएगा? f और 2f के बीच, तो रखेंगे बिटवीन f एंड 2f। देखिए f एंड 2f के बीच रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, इधर x, इधर x डैश। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, ये फोकस है, ये 2f है, यहाँ भी ये फोकस है, ये 2f है। ऑब्जेक्ट रख रहे हैं f और 2f के बीच। देखिए ऑब्जेक्ट 2f के पहले, हम बोल चुके ऑब्जेक्ट पहले तो इमेज बाद, तो 2f के पहले है तो इमेज 2f के बाद बनेगा, और बाद का इमेज क्या बनेगा? बड़ा। तो हम बना सकते हैं एक रे ऑफ लाइट गुजार गए, फोकस से गई, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी जो बिना डिविएशन के सीधे चली जाएगी, और ये देखिए ये दोनों यहाँ कट रही है, तो यहाँ इसका क्या बन रहा है इमेज? हम देखिए ऑब्जेक्ट से साइज से बड़ा बना, और ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, इमेज नीचे बना, तो इमेज कैसा बना? रही है। ये तो हम जान रहे हैं कि बाकी सभी स्थितियों में, ये सभी स्थिति अब जो भी आएगा उसमें सारा इमेज रियल बनेगा और ऑब्जेक्ट से उल्टा बनेगा। तो नेचर बताएंगे कैसा बन रहा है? रियल। कैसा बन रहा है? उल्टा, इन्वर्टेड एंड बिगर इन साइज, बहुत बड़े आकार का तो नहीं, लेकिन वस्तु से बड़े आकार का जरूर बन रहा है। तो बिगर इन साइज इमेज फॉर्म आफ्टर 2f, या इसको आप कह सकते हो बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2f। 2f के क्या बन रहा है? बाद बन रहा है। तो नीचे लिखेंगे वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़े आकार का प्रतिबिंब 2f के बाद बनता है। नोट कीजिए, तो वस्तु 2f के पहले, ऑब्जेक्ट 2f के बाद, बात का बड़ा। ठीक है, अगर दोनों सेम जगह पर बनेगा तो ध्यान ये भी रखना कि जो दूर होता है वो बड़ा होता है। अगर ऑब्जेक्ट इमेज एक ही पॉइंट पर बने तो इमेज क्या होते हैं? बराबर होते हैं। चलिए अगला और दूर करते हैं ऑब्जेक्ट को।
तो अब बहुत दूर करेंगे तो कहाँ आएगा, 12 पर, तो ये और नजदीक आ जाएगा, कहाँ 12 पर, जितना स्टेप ये आगे बढ़ेगा उतना ही स्टेप ये भी, तो ऑब्जेक्ट 12 पर गया तो ये इमेज ये इधर साइड जाएगा तो ये इधर साइड जाएगा, तो ऑब्जेक्ट गया 12 पर तो इमेज भी आएगा कहाँ 12 पर, तो अगला कंडीशन रखेंगे चलते हैं एट कहाँ रखते हैं हम देखो 12 पर रेड आइटम देखते हैं एक्स एक्स डैश ये एफ ये 2F यहां भी एफ 2F रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को 12 पे बुझाइए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कहां से जाती है फोकस से और ऑप्टिकल सेंटर वो पॉइंट होता है जहां से भी बिना डेविएशन चली जाती है तो यहां इसका इमेज बना कहां बना 2F पे देख रहे हैं जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही इमेज का साइज है तो नेचर बताएंगे कैसा हुआ ऊपर ऑब्जेक्ट इमेज नीचे बना उल्टा बना तो रियल क्या बनेगा इन्वर्टेड एंड दोनों सेम 12 का 12 पर बना तो कोई नजदीक कोई दूर नहीं दोनों सेम है तो सेम साइज इमेज फॉर्म एट 2F तो 2F का 2F जैसे मिरर में देखते थे सेंटर का इमेज सेंटर पर बनता था बिल्कुल उसी तरह यहां भी सेंटर की जगह 2F दर्शाया जाता है तो 2F का इमेज 2F पर बनता है केवल सारा प्रॉपर्टी सेम है केवल वहां कॉनकेव का जो प्रॉपर्टी क्योंकि वहां कॉनकेव को कन्वर्जन मिरर करते हैं जबकि लेंस में कॉन्वेक्स को कन्वर्जन करते हैं तो जो नेचर मिरर में कॉनकेव का वो नेचर लेंस में कॉन्वेक्स का जैसे इमेज का प्रॉपर्टी वहां है कॉनकेव का वही प्रॉपर्टी यहाँ होगा कॉन्वेक्स का चलेंगे क्या कर रहा है इमेज कैसा बन रहा है वास्तविक बन रहा है कैसा बन रहा है उल्टा बन रहा है तथा समान आकार का प्रतिबिंब 2F पर बनता है अब पांचवा और दूर करते हैं तो 2F के अब क्या हो जाएगा बाद ऑब्जेक्ट तो पांचवा बिहाइंड 2F क्या रखा है 2F के बाद या और आप लिख सकते हो बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2F 2F और अनंत के बीच रेड आइटम देखते हैं एक्स एक्स डैश ये ऑप्टिकल सेंटर फोकस 2F ऑब्जेक्ट को रख दिए हम 2F के बाद आइए इसका इमेज बनाते हैं देख रहे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो कहां से जाएगी फोकस से और दूसरा प्रकाशीय किरण से जाने वाला बिना विचलन सीधे चला जाएगा तो देख रहे हैं यहाँ इमेज कटा तो यहाँ इसका क्या बना इमेज ध्यान दीजिए ऑब्जेक्ट हो गया 2F के बाद तो इमेज हो गया बाद का उल्टा पहले वहां क्या था ऑब्जेक्ट था 2F के बाद तो इमेज कहाँ बन रहा था 2F के बाद अब ऑब्जेक्ट हो गया 2F के बाद तो इमेज हो गया 2F के पहले पहले वाला छोटा बनता है तो चल देंगे इमेज का प्रॉपर्टी हो गया
रियल क्या प्रॉपर्टी हो गया इनवर्टेड उल्टा एंड अ स्मॉलर इन साइज 250 पहले जो भी इमेज बनेगा वो स्मॉलर साइज का होगा तो स्मॉलर इन साइज्ड इमेज फॉर्म बिटवीन एफ एंड 2F या बिफोर 2F भी लिख सकते हैं तो इमेज कैसा बना वास्तविक बना कैसा बना उल्टा तथा वस्तु से या तथा छोटे आकार का प्रतिबिंब एफ तथा 2F के बीच बनता है क्लियर हो रहा है हम ध्यान दीजिए फिर से कह रहे हैं फोकस सबसे इनिशियल पॉइंट होता है तो फोकस का इमेज सबसे दूर बनेगा ऑब्जेक्ट इमेज रियल में आपको इतना ही ध्यान रखना है कि रियल उल्टा उल्टा मतलब ऑब्जेक्ट जो बोलेगा उसका उल्टा हम कहें ऑब्जेक्ट सबसे निकट तो आपका ऐसा होना चाहिए इमेज सबसे दूर क्या होता है इन्फिनिटी और रियल का सबसे निकट क्या होता है फोकस तो ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखेंगे इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा हम कहें फोकस से दूर कर रहे हैं तो आपको हो गया इमेज इन्फिनिटी से नजदीक आ रही कहाँ दूर किए तो हम कहेंगे एफ और 2F के बीच रखे हैं मैंने 2F के पहले रखे हैं तो आपको आंसर होना चाहिए कि इमेज 2F के बाद बन जाएगा अगर हम ऑब्जेक्ट को 2F पर रख रहे हैं इमेज भी 2F पर बनेगा अगर ऑब्जेक्ट को 2F के बाद रखेंगे इमेज 2F के पहले बनेगा पहले का इमेज छोटा और बाद का इमेज बाद बड़ा ये आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि जो नजदीक होगा जिसकी डिस्टेंस कम होगी वो छोटा होगा और जिसका डिस्टेंस अधिक होगा वो बड़ा होगा या जो लेंस की ओर आएगा वो छोटा होगा और जो लेंस से दूर जाएगा वो बड़ा होगा ठीक है अब और दूर करते हैं तो और दूर क्या हो जाएगा इनफाइनाइट तो एट इन्फिनिटी लास्ट देख लेते हैं इन्फिनिटी पे रखकर तो जब देख रहे हैं ऑब्जेक्ट सबसे दूर गया तो इमेज क्या हो जाएगा सबसे निकट और रियल इमेज बनने का सबसे निकट कौन सा होता है फोकस तो हम आंसर दे सकते हैं इमेज कहाँ बन जाएगा फोकस पर चलिए इन्फिनिटी पर रखते हैं इन्फिनिटी को तो हम दर्शा नहीं सकते हैं तो मान लेते हैं कि कोई रे ऑफ लाइट बहुत दूर से आ रही है जो एक कहाँ से होकर गई ऑप्टिकल सेंटर से तो सीधे चली गई एक और रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कराते हैं इसी के पैरेलल जो इन्फिनिटी से आ रही है ध्यान रखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है अगर ये पैरेलल रहता है तो कहते फोकस से जाएगी लेकिन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है तो यहाँ से रिफ्रेक्शन होगा और कहीं जाकर कटी जहाँ कटी वो प्वाइंट क्या प्राप्त होगा आपको फोकस इमेज कहाँ बन गया फोकस पर कैसा बना तो देख रहे हैं किरणें ऊपर से आ रही है इमेज नीचे बन रहा है तो इमेज कैसा हो गया रियल हो गया कैसा हो गया इन्वर्टेड हो गया उल्टा एंड वेरी वेरी स्मॉलर इन साइज वेरी स्मॉल इन साइज बहुत छोटे आकार का इमेज फॉर्म एट फोकस कहा इमेज बन गया फोकस पर बन गया इमेज का नेचर हो गया कैसा वास्तविक बना कैसा बना उल्टा बना तथा वस्तु से बहुत छोटे आकार का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है तो ये छह कंडीशन होते हैं उत्तल लेंस में इमेज बनने का जिसके एक कंडीशन में वर्चुअल बनता है जब फोकस के पहले बाकी फोकस से आप कहीं भी रखते चले जाइए वस्तु को वो सारा इमेज रियल बनाएगा ध्यान यही रखना है आपको कि जो दूर है वो बड़ा है दूर कब होगा इमेज तो जब ऑब्जेक्ट क्या होगा नजदीक ऑब्जेक्ट नजदीक मतलब जब ऑब्जेक्ट 2F के पहले रहेगा तो इमेज 2F के बाद रहेगा और बाद का इमेज क्या होगा बड़ा होगा ठीक है क्लियर है इसे नोट करें ये तो हुआ कॉन्वेक्स में अब हम चलेंगे कॉनकेव के लिए
अब चलते हैं इन कॉनकेव लेंस, इसको और बोलिए क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। और एक नाम दिए क्या, निगेटिव लेंस। क्यों? क्योंकि इसका पावर फोकल लेंस निगेटिव, क्यों? तो ये किरणों को डाइवर्ट करेगा, डाइवर्ट करेगा तो ये रियल में मिलेगा नहीं, वर्चुअली मिलेगा, और जो वर्चुअली मिलेगा इसका फोकल लेंथ क्या होता है, निगेटिव होता है। चल तो डाइवर्जिंग है तो ये हमेशा किरणों को क्या करेगा, डाइवर्ट करेगा, और हमेशा कैसा इमेज बनाएगा, वर्चुअल। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए, ये कॉनकेव मिरर है, कहीं ऑब्जेक्ट को आप रख रहे हैं, इधर इसका फोकस 2f, बुझाएंगे जब रे आप लाइट विजिबल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, ये किरणों को क्या करेगा, डाइवर्ट करेगा, तो ये पीछे की ओर मिलेगा, और जहां मिलेगा वो पॉइंट क्या कहलाएगा, फोकस। तो ये फोकस एक रे ऑफ लाइट कहां से गुजरते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से, जो बिना विचलन के सीधे चली जाती है। देख रहा है किरण उधर जा रहा है, किरण इधर की ओर जा रहा है, तो ये किरणें फैल रही हैं, तो इसको भी हम पीछे की ओर मिलाए, इसे पीछे किए तो यहाँ कटता हुआ प्रतीत हुआ, और यहाँ जाकर इसका क्या बना, इमेज बना। यहाँ देख रहे हैं कि इमेज बनता हुआ प्रतीत हो रहा है, मतलब कैसा इमेज बनेगा, काल्पनिक इमेज बन रहा है, और ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा बन रहा है। कैसे छोटा, हम कह क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट से पहले बन रहा है, और जो हम बताए कि नजदीक होता है वो छोटा होता है, और जो दूर होता है वो बड़ा होता है। अब तो इसमें समझने का एक ही चीज है कि आप ऑब्जेक्ट यहाँ रखे, इमेज यहाँ बना, नेचर हम पता कर लिए कैसा बना, काल्पनिक बना, सीधा बना, और वस्तु के साइज से छोटा बना। अब अगर हम ऑब्जेक्ट को यहाँ, वो कंडीशन नहीं होता है कि 2f के ऊपर रखेंगे, 2f के बाद रखेंगे, क्यों? तो ये किरणों को कभी भी मिलाती नहीं है, तो इधर साइड कभी इमेज बनेगा नहीं, तो इधर साइड नहीं होगा और वर्चुअल बनाएगा। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को हम लेंस से क्या करते जाएंगे, दूर करते जाएंगे, उसका इमेज जो होगा वो किसकी ओर बढ़ता चला जाएगा, फोकस की ओर, जैसे कॉन्वेक्स मिरर में होता था। और दूर करते करते जब अनंत पर ले जाएंगे तो उसका फाइनल इमेज कहाँ बन जाएगा, फोकस पर। मतलब कॉनकेव लेंस में फोकस के बाद इमेज नहीं बनेगा। अच्छा, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को दूर करिएगा, इमेज तो फोकस की ओर बढ़ेगा, और साइज में और भी क्या होता चला जाएगा, छोटा। जब आप इन्फिनिटी तक लेते चल जाएगा तो एकदम क्लीन इमेज बनेगा, एकदम कण मात्र का इमेज कहाँ पर बन जाएगा, फोकस पर। तो हम चल रहे लिखेंगे, when object placed in front of concave lens, then its virtual erect and a smaller in size image formed between O and F, ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। ठीक है, क्या लिखेंगे, जब वस्तु अवतल को अवतल लेंस के सामने रखा जाता है तो उसका काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से छोटे आकार का प्रतिबिंब ओ तथा एफ, ओ प्रकाशीय केंद्र फोकस के बीच बनता है। अगला पॉइंट देखेंगे,
जब हम ऑब्जेक्ट को क्या करते जाएंगे, दूर करते जाएंगे लेंस से, इमेज किसकी ओर शिफ्ट होता जाएगा, फोकस की ओर, और आकार में क्या होता जाएगा, छोटा। तो लिखेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट गोज फार अवे फ्रॉम लेंस, जब ऑब्जेक्ट को लेंस से दूर किया जाता है, देन इट्स इमेज शिफ्टेड towards focus whose size become more smaller, जिसका साइज और भी क्या होता जाता है, छोटा होता जाता है, ठीक है। And when and if object placed एट इंफिनिटी देन इट्स वर्चुअल इरेक्ट एंड टी इमेज फॉर्म्ड एट फोकस। और जब ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर रखा जाता है तो उसका काल्पनिक सीधा और बहुत सूक्ष्म आकार का इमेज कहाँ बन जाता है, फोकस पर बन जाता है, ठीक है। तो लिख रहे हैं क्या लिखेंगे, जब वस्तु को लेंस से दूर किया जाता है तो उसका प्रतिबिंब फोकस की ओर बढ़ता जाता है और आकार में और भी छोटा होता होता जाता है, तथा जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उसका काल्पनिक सीधा तथा अत्यंत सूक्ष्म आकार का तथा सूक्ष्म आकार का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। तो आपको क्वेश्चन कहेगा कि अवतल लेंस से ऑब्जेक्ट को दूर करते हैं तो इमेज का क्या स्थिति होता है, तो आप ऐसा क्या होगा कि ऑब्जेक्ट जैसे जैसे दूर होगा इमेज किधर की ओर बढ़ता चला जाएगा, फोकस की ओर, और आकार में और भी क्या होता चला जाएगा, छोटा। लेकिन हमेशा कैसा बनाया जाए, वर्चुअल। मान लीजिए कोई रे है इंफिनिटी से आ रही है, ऑप्टिकल सेंटर से होकर गई, इसी का पैरेलल एक और रे इंफिनिटी से आ रही है, ये क्या हो जाएगी, डाइवर्ट हो जाएगी, इसको हम क्या मिलाएंगे, पीछे की ओर। तो यहाँ कटता हुआ अपीयर होगा और यहाँ इमेज बनाएगा और ये क्या होगा, फोकस होगा। तो लास्टली इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पर, इसके बाद इमेज नहीं बनता है। क्लियर हुआ? तो कॉन्वेक्स में टोटल 6 कंडीशन, कॉन्केव के लिए केवल एक कंडीशन, क्योंकि ये लोग हमेशा डाइवर्ट करता है। कॉन्वेक्स में सारा कन्वर्जिंग होता है तो सारा इमेज रियल बनाता है, कॉन्केव क्या बनाता है, डाइवर्जिंग होता है तो वर्चुअल बनाता है। कॉन्वेक्स में कॉन्वेक्स में जो होता है वर्चुअल इमेज बनता भी है, लेकिन वो जब ऑब्जेक्ट फोकस के पहले, बाकी वो रियल इमेजेस बनाते हैं, ठीक है। तो कन्वर्जिंग मतलब ये होता है रियल, और डाइवर्जिंग मतलब ये होता है वर्चुअल। रियल इमेज बनने का कन्वर्जिंग में मिनिमम जो पॉइंट होता है, डिस्टेंस होता है, उसका क्या होता है, फोकस।
चले अभी छोटा सा और पॉइंट है, देख लीजिए उसको। वो इम्पोर्टेंट पॉइंट ही है, यहां दे रहे हैं, जरा सा देख लीजिए उसको। सिल्वरिंग ऑफ लेंस, सिल्वरिंग ऑफ सरफेस ऑफ लेंस, जब लेंस के सतह को क्या किया जाता है, सिल्वरिंग किया जाता है, कलर किया जाता है। आप मान लीजिए ये लेंस है जिसके फर्दर सरफेस को क्या कर दिया गया है, कलर कर दिया गया है। अब आपको कहेगा कि इसके सामने ऑब्जेक्ट को रखें, तो बताइए ये जो कम्बिनेशन है एक सिल्वरिंग का एक बिना सिल्वरिंग का, इसका टोटल फोकल लेंथ क्या होगा। ठीक है, तो हम चलेंगे यहां से रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट कराए। देखिए ये क्या है, ट्रांसपेरेंट है, रिफ्लेक्शन दिखाएगा। तो एक बार लेंस से रिफ्लेक्शन हुआ, तो एक बार लेंस का फोकस किया। अब जाके इस सिल्वरिंग सरफेस जो मिरर की तरफ बिहेव करना शुरू कर देगा, तो ये रेज को क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे, क्योंकि मिरर क्या दिखाता है, रिफ्लेक्शन। तो ये रेज जो यहां आई उसको क्या करेगी, रिफ्लेक्ट। ये पहला हुआ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन अपवर्तन। दूसरा में क्या हो गया, रिफ्लेक्शन मिरर के द्वारा। तो एक बार मिरर फोकस की तो मिरर का हो गया, फिर इस लेंस पे इंसिडेंट किया, तो यहां से फिर रिफ्रैक्शन होगा और तब जाकर इसका क्या बनेगा, इमेज। तो थर्ड फिर से इसी से हुआ लेंस से, तो रिफ्लेक्शन होगा इमेज। यानी दो बार लेंस से, एक बार मिरर से, तो दो बार लेंस का फोकल लेंथ, एक बार मिरर का। तो 1/FL इक्वल टू 2/FL प्लस 1/FL। ये ध्यान रखना आपको कि जब लेंस के किसी एक सरफेस को क्या किया जाता है, सिल्वरिंग किया जाता है, तो दो बार लेंस से फोकस होता है और एक बार कौन फोकस करता है, मिरर फोकस करता है, तब जाकर इमेज प्राप्त होता है। तो ये इस चैप्टर का थ्योरी यहीं तक क्लोज हो गया, लेंस का थ्योरी। अब इसके आगे हम चलेंगे प्रिज्म का थ्योरी देंगे और देखेंगे कि प्रिज्म से डिविएशन डिस्पर्शन, मतलब प्रिज्म सात रंगों में लाइट को कैसे डिवाइड करती है, जब व्हाइट लाइट उस पर गुजारते हैं तो वो सात रंगों में से कैसे तोड़ती है, क्या उसका प्रॉपर्टी होता है। तो ये चैप्टर क्लोज हुआ, अब इसके न्यूमेरिकल्स को हम अगले वीडियो में देंगे और फिर चलेंगे थ्योरी प्रिज्म के। तो आज का वीडियो ये था, आप लोग देखते रहिए, थैंक यू।